दोस्तों ड्रोन का बादशाह कौन, कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। DJI ने अपने हाल में एक और नए ड्रोन को लॉन्च कर दिया है। इसके पहले भी DJI ने FPV लॉन्च किया था। इस बार अप्रैल के महीने में DJI ने अपना एक और नया ड्रोन DJI Air 2S इसको लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या इस ड्रोन की खासियत है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, सारी कुछ इस डिटेल में बताऊंगा। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आएगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का चैनल का सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल टेक यूट्यूब। दोस्तों जानकारी वही है तो सही है। DJI ने अपने हाल में नए ड्रोन DJI Air 2S जिसकी कीमत लगभग $999 है, कॉम्बो पैक की कीमत $1299 है। दोस्तों इस ड्रोन की खासियत क्या है, इसके अंदर में ऑप्टिकल अवॉइडेंस जो है चार तरीके से है, अप डाउन पीछे आगे चारों तरफ से सेंसर लगे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे से ऑप्टिकल को डिटेक्ट करते हैं। 3500 mAh की बैटरी के साथ 12 किलोमीटर का वीडियो ट्रांसमिशन, जी हाँ दोस्तों 12 किलोमीटर तक वीडियो ट्रांसमिशन स्मूथली HD में तो किया जा सकता है। ये तो शुरुआत है, अभी तो आगे और भी बहुत कुछ है इस ड्रोन के बारे में। 20 मेगापिक्सल का कैमरा, 1 इंच का सेंसर, जी हाँ दोस्तों 20 मेगापिक्सल के इसके अंदर में कैमरा है और 1 इंच का CMOS सेंसर है जो कि बहुत ही बड़ा सेंसर है। उसके बाद 5.4K की वीडियोस इस पर रिकॉर्ड किया जा सकता है और मास्टर शॉट। अब ये मास्टर शॉट क्या है वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों 1 इंच सेंसर के साथ में 2.4 nm का पिक्सल, 5.4K की वीडियोस 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से। दोस्तों सेंसर का बिग साइज होने की वजह से वीडियोस नाइट फोटोशूट बहुत ही अच्छे से इसमें रिकॉर्ड कर सकता है। HDR टेक्नोलॉजी की वजह से मल्टीपल शॉट खींचकर एक साथ मर्ज करके जो नाइट शूट के जो वीडियोज या फोटोज निकल कर आती है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर कूल है। साथ में इसमें हाइपरलेस टाइम लैप्स पैनोरमा शूट भी किया जा सकता है। जो वीडियोस फोटोज निकल कर आ रही है हाइपरलैप्स में वो सुपर कूल है। न्यू फीचर मास्टर शॉट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो के अंदर में पोर्ट्रेट मोड में किस तरीके से वीडियोस को लेता है, और प्रॉक्सिमिटी, लैंडस्केप, ये टोटल सारे यहाँ पे आप देख रहेंगे स्मार्ट शॉट्स के फीचर हैं। बाकी जो DJI के अंदर में अपने जो 3-4 फीचर्स हैं, चाहे हेलिक्स हो, ड्रोन हो, सफायर हो, ये सब फीचर ऑलरेडी इसके अंदर में मेंशन है। और दोस्तों इसके अंदर में जो ऑटो फोकस का फीचर है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, एक स्टेप आगे जाके निकल के आता है। यहाँ पे 3 तरीके से आप इसके अंदर में फोकस फीचर है। तो पहला फीचर्स है स्पॉटलाइट 2.0, उसके बाद है अट्रैक्टिव 4.0, उसके बाद है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 3.0 जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जो कि सर्कल में सब्जेक्ट को लेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्पॉटलाइट 2.0 का फीचर जो है इस तरीके से काम कर रहा है, जो कि सब्जेक्ट को एक कंटिन्यूस फोकस में रखा हुआ है, जो सब्जेक्ट चाहे जहाँ भी जाए। अब दोस्तों ये वाला जो फीचर है इन्वायरमेंट सेंसिंग, ये वाला फीचर मुझे खासकर बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस फीचर की खासियत क्या है, एडवांस पायलट सिस्टम जो है यानी कि APAS 4.0, ये टेक्नोलॉजी की वजह से होगा क्या, इस पर क्लिक करने के बाद ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल वगैरह हैं, ड्रोन को सिर्फ फॉरवर्ड करोगे तो ऑटोमेटिक रास्ते में जो भी अवॉइडेंस आएगी इससे बचते बचते ये ड्रोन निकलेगा। ये जो फीचर है मुझे खासकर बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी आपको कौन सा फीचर पसंद आया अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वाकई दोस्तों मानना पड़ेगा कि DJI ने इस बार के DJI Air 2S ड्रोन के अंदर बहुत सारे फीचर्स को इनबिल्ट किया हुआ है। इसी में से एक और फीचर है कि दोस्तों O3 ट्रांसमिशन। अब ये O3 ट्रांसमिशन क्या है, अब इसकी वजह से क्या है कि दोस्तों कि वीडियो ट्रांसमिशन या इमेज ट्रांसमिशन जो इसके अंदर में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया जो कि 12 किलोमीटर की वीडियो ट्रांसमिशन को करेगा 1080p। और दोस्तों DJI जो एयर सेफ्टी का जो कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, आपको तो पता ही होगा कि अगर आप किसी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ड्रोन्स को फ्लाई करना चाहेंगे तो वो फ्लाई नहीं करेगा ADS-B। इस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है कि दोस्तों आपके एरिया में अगर आप कोई भी ड्रोन फ्लाई करना चाह रहे हैं, नो फ्लाई जोन होगा तो वहाँ पर तो ड्रोन उड़ेगा ही नहीं। साथ ही साथ ये मैप में अगर आपको बताएगा कि अगर आपके एरिया में कोई हेलीकॉप्टर भी अगर उड़ रहा है या कोई एयरप्लेन वगैरह उड़ रहा है इन योर लोकेशन, तो ये आपको मैप के अंदर में बता देगा। DJI का जो ऐप है उसमें ये बता देगा और ड्रोन को फ्लाई नहीं करेगा। दोस्तों अगर इसके वेट की बात की जाए तो आई थिंक ये इसका 595 ग्राम का वेट है,
और आई थिंक DJI Mavic Air 2 से लगभग 25 grams लगभग ज़्यादा है, क्योंकि DJI Mavic Air 2 का जो वेट है आई थिंक 570 grams का है। हालांकि इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट वगैरह जो भी प्रोसेस है वो पूरा इसके अंदर में होगा। और दोस्तों टेकआउट वेट बैटरी के साथ इसका वेट है जो कि 595 ग्राम है, बैटरी का वेट अलग है। और अगर बैटरी की बात की जाए तो आई थिंक 200 ग्राम्स के अंदर है, 198 ग्राम समथिंग ऐसा ही कुछ है, क्योंकि 249 ग्राम्स के अंदर का जो ड्रोन है उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इंडिया के अंदर में ड्रोन्स के रूल जो है पूरी तरीके से फॉलो अप नहीं है, इसी वजह से DJI के जो कि ड्रोन्स है लीगली इंडिया के अंदर में आपको नहीं मिलते हैं। और दोस्तों इसके अंदर में आपको 8x तक का जूम मिलेगा जो कि डिजिटल जूम है। अगर आप 10 बीट पे जो कि 120 fps की वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4K वीडियो 30 fps की अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 4x का डिजिटल जूम मिलेगा। और अगर आप 2.7K की वीडियोस को भी 60 fps पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी आपको 4x का जूम मिलेगा। और वहीं अगर आप 2.7K की वीडियोस 30 fps पे रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका जो जूम है वो 6x तक का मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए 1080p 60 fps की अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी आपको 6x का जूम मिलेगा। और अगर आप 1080p वीडियोस 30 fps पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ही आपको इस पे 8x का डिजिटल जूम मिलेगा। बाकी दोस्तों इसके अंदर में 8GB की इंटरनल स्टोरेज आती है, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, 256GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस ड्रोन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सारा समझ में आ गया होगा DJI Air 2S ड्रोन के बारे में। अभी आपकी क्या राय है अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर बैटरी की बात की जाए तो बैटरी जो कि 35mAh की बैटरी आती है और 38W का इसके अंदर में चार्जर है, क्योंकि मैक्सिमम चार्जिंग का टाइम है वो लगभग 5-6 घंटा है। और दोस्तों लास्ट नॉट द लीस्ट इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो 60 किलोमीटर के अंदर इसकी स्पीड है, हालांकि एग्जैक्ट मेंशन नहीं है और मुझे भी नहीं मालूम है। और इसके साथ में एक नॉर्मली वाला जो रिमोट है और कंट्रोलर अलग से है जो कि इसको आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, DJI स्मार्ट कंट्रोलर 5.5 इंच की आपको स्क्रीन मिल जाएगी। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आई होगी, प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं भी पसंद आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं प्लीज़। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर मेंबरशिप है, बाकी यहाँ पर और भी वीडियोज़ हैं चैनल पर, मैं हर कैटेगरीज की वीडियोज़ को बनाता हूँ। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।